Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Our chapter solving an equation is going on and today I am going to teach you solving an equation with a word problem. With a word problem. Most of the students को word problem के questions में ज़्यादा दिक्कत आती है. Equation वाले question तो फिर भी वो कर लेते हैं पर word problem में उनको बहुत समस्या आती है कि किस तरीके से उनको attempt करें. Okay? Students, इस video को बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है, सुनना है और समझना है. ऐसा नहीं है कि TV सामने चल रहा है और यहाँ पे आप video देख रहे हो, इधर खाना खा रहे हो, इधर आप video देख रहे हो. नहीं, बिल्कुल silent room में जाओगे, अच्छे से उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको video को देखना और सुनना और समझना है, तभी आपको complete समझ में आएगा. ओके, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी. आपको एक एक चीज, किस तरीके से लैंग्वेज से हम इक्वेशन बनाएंगे, कैसे इक्वेशन बनती है, किसको हम एज्यूम करते हैं, ओके, वो सारी चीजें इस वीडियो में आ जाएगी. ओके, फिर स्टार्ट करें फुल एनर्जी के साथ. यस और नो? वेरी गुड. सो स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन समझ में आएगा तब हम उसका सॉल्यूशन अच्छे से कर सकते हैं. ओके, तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. द सम ऑफ, किसका सम? 3 टाइम्स अ नंबर, ए नंबर है, कोई नंबर है उसका 3 टाइम, एंड 11, उस नंबर, कोई नंबर एज्यूम करेंगे, उस नंबर का 3 टाइम एंड 11 का सम इज 32. उनका सम कितना है? 32. देन फाइंड द नंबर, वो नंबर हमें फाइंड करना है. ओके, जो फाइंड करना है उसी को हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे. ओके, जिसे फाइंड करना है उसी को हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे. ओके, सो वी हैव टू सॉल्व. लेट्स एज्यूम एन अननोन नंबर x मान लिया उसको. ओके, सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे. 3 टाइम्स अ नंबर, उस नंबर का थ्री टाइम, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई एक्स. बात समझ में आ रही है ना? टाइम इट मीन्स वो मल्टीप्लाई होगा. सो 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस सम करना है किसका? 3 टाइम उस नंबर का एंड 11 का, तो क्या मिलेगा? 32. ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन. इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारी क्या बन गई? इक्वेशन. बात समझ में आ गई जो क्वेश्चन में बोल रखा है. नाउ 3x एज इट इज प्लस 11, गो टू राइट साइड ऑफ द इक्वल साइन, सो माइनस 11. ओके, 3x इक्वल टू 32 माइनस 11, 21. ओके, नाउ एक्स इक्वल टू 21/3, मल्टीप्लाई में है 3x के साथ, वहां जाके डिवाइड में होगा, सो कैंसिल आउट, 3 1 3 3 2, सो एक्स इक्वल टू 7. तो वो अननोन नंबर हमें क्या मिला? 7. एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें? 7. और एक्स क्या था? अननोन नंबर, जो नंबर फाइंड करने के लिए उसने बोला हमें, क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड द नंबर, तो वो नंबर क्या हुआ? 7. बात समझ में आई अच्छे से? ओके, तो ध्यान रहे वर्ड प्रॉब्लम के जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो सॉल्यूशन अपना चुटकियों का खेल है. ओके, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे समझना है, उसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना और उसके बाद में सॉल्यूशन करना. ऐसा नहीं पहले क्वेश्चन देखा अब क्या करूं. ओके, गिव अप नहीं करना है, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसा समझना है. ये वीडियो देखने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा. ओके, सो यू हैव टू राइट हियर, हेंस द नंबर इज 7. ओके, इट इज आवर आंसर. बात समझ में आई? नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर, उस नंबर का 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7. 1/4 ऑफ अ नंबर, वो नंबर है, उस नंबर का 1/4 क्या है? 3 मोर देन 7, 7 से 3 मोर देन है. ओके, सो वी हैव टू सॉल्व. अ नंबर इज, सो लेट्स एज्यूम अननोन नंबर. अननोन नंबर को क्या एज्यूम करेंगे? एक्स. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, क्या बोला इसने?
1/4 ऑफ द नंबर, क्वेश्चन बोल रहा है 1/4 ऑफ द नंबर, इट मींस नंबर तो क्या है x, और इसका 1/4 करेंगे तो 1/4, ओके आप ऐसा भी लिख सकते हैं x by 4, ओके 1/4 मल्टीप्लाई x, तीनों एक ही चीज है, ओके उस नंबर का 1/4, एंड क्या बोल रहा है 3 मोर देन 7, 7 से 3 मोर देन है, किससे 7 से 3 मोर देन है, सो -7=3, बात समझ में आई, इस नंबर का 1/4 इस 7 से 3 मोर देन है, तो 7 इसमें से माइनस करेंगे इक्वल टू 3, ओके सो करें इसको 1/4x माइनस 7 उधर जाएगा तो 3+7, ओके 1/4x=10, नाउ x इक्वल टू ये 1/4x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, और डिवाइड में कैसे जाएगा ये 4 इधर डिनोमिनेटर है उधर जाके न्यूमरेटर बनेगा, और 1 इधर न्यूमरेटर है उधर जाके डिनोमिनेटर बनेगा, कैसे 10 एज इट इज मल्टीप्लाई 4/1, सो वी गेट 10 4 जा 40, इट मीन्स x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 40, सो अननोन नंबर इज 40, यही फाइंड करने के लिए बोला उसने, फाइंड अ नंबर, वो नंबर फाइंड करने के लिए बोला, तो नंबर क्या आया 40, बात समझ में अच्छे से, एक और तरीका इसका, दो केस बनेंगे ये, फर्स्ट केस है सेकंड केस, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, सेकंड केस में क्या करेंगे 1/4x ये एज इट इज आ गया, ओके नाउ -3=7, नंबर का 1/4 3 मोर देन है 7 से, 3 मोर देन है ये, 3 मोर देन है 7 से, तो क्या किया इसके इक्वल करने के लिए -3 इधर किया, देखना समझना मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मेरी एज आपकी एज से 10 ईयर मोर देन है, मेरी एज आपकी एज से 10 ईयर मोर देन है, ओके तो क्या होगा अब दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी तरफ 10 ऐड करोगे या आपकी तरफ बताओ, आपकी तरफ करोगे, ओके तभी क्या होगा इक्वेशन बैलेंस्ड आएगी, तभी इक्वेशन क्या आएगी बैलेंस, सपोज मेरी एज 25 है और मेरी एज आपकी एज से क्या है 10 ईयर मोर देन, इट मींस आपकी कितनी हुई 15, ओके दोनों को बैलेंस रखने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 किधर प्लस करना पड़ेगा आपकी तरफ, ओके इसी तरीके से हमें ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन समझने हैं प्रैक्टिकली एग्जांपल लेके, ओके सो 1/4x -3=7, 7 से ये 3 क्या था मोर देन था तो इधर -3 कर दिया, तभी इक्वेशन क्या हो जाएगी बैलेंस्ड, सो इसे सॉल्व करें 1/4x=7+3, 1/4x=10, x=10 × 4/1, सो x=40, बात समझ में आई, सो अननोन नंबर इज 40, सो यू हैव टू राइट हियर हैंस द नंबर इज 40, द नंबर इज 40, अंडरस्टूड इट इज आवर आंसर, नाउ थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम में कोई समस्या नहीं आएगी, आप आराम से अच्छे से सभी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कर सकते हो, ओके जिस स्टेप वाइज स्टेप मैं चल रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ओके सो क्वेश्चन क्या है हमारा, राजू फादर एज इज 5 ईयर मोर देन, राजू के फादर की एज क्या है 5 ईयर मोर देन, 5 ईयर ज्यादा है, अब आगे पढ़ो 3 times राजू एज और क्या है राजू की एज की 3 times, एंड फाइंड राजू एज, हमें किसकी एज फाइंड करनी है राजू की एज फाइंड करनी है, किसकी एज फाइंड करनी है राजू की एज, और आगे क्या बोल रहा है इफ हिज फादर इज 44 years old, उसके फादर की एज क्या है 44 years old, तो उसके फादर को किससे कंपेयर करवाया जा रहा है उसके बेटे से, इट मींस राजू से, राजू के फादर को किससे कंपेयर करवाया जा रहा है राजू से, और राजू की हमें फाइंड करनी है तो एज्यूम किसकी करोगे राजू की ही, जिससे कंपेयर करवाया जाता है उसी को ही एज्यूम करना है आपको, ओके सो वी हैव टू सॉल्व, लेट्स एज्यूम राजू एज, राजू की एज क्या एज्यूम करें एक्स एज्यूम कर लेते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके अच्छे से समझना, राजू के फादर की एज 44 ईयर है, राजू के फादर की एज क्या है 44 ईयर, ओके तो इसको इक्वल के राइट पार्ट में लिख दिया, ओके
फिर क्या बोल रहा है ये, 5 years मोर देन एंड 3 times राजू एज, 3 times राजू एज, राजू की एज क्या थी x, राजू की एज क्या एज्यूम करी थी हमने x, उसका 3 times और 5 years मोर देन है तो प्लस 5। राजू के फादर की एज 44 years है और जो कंपैरिजन में कंडीशन दे रखी है वो क्या बोल रहा है, राजू की एज की 3 times और 5 years मोर देन है, उसकी 3 times और 5 years मोर देन, तभी इक्वेशन क्या बनेगी, बैलेंस्ड। बात समझ में आ रही है ना? ओके, तो ये इक्वेशन बन गई 3x प्लस 5 इक्वल टू 44। ये राजू की फादर की एज है, राजू के फादर की एज उस राजू की एज की 3 times और 5 years मोर देन है। ओके, सो 3x इक्वल टू 45 माइनस 5, ओके 3x इक्वल टू वी गेट 39। अंडरस्टूड? नाउ x इक्वल टू 39 बाई 3, कैंसिल आउट करें, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, सो x इक्वल टू 13। x क्या था, राजू एज, राजू की एज थी, राजू की उम्र थी, तो कितनी मिली हमें 13, इट मीन्स द एज ऑफ राजू इज 13 years, राजू की एज है 13 years। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? मेन काम इसी का ही है, क्वेश्चन को समझना है, बाकी तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन को समझना, उसके बाद में सारे काम करना। ओके, एज्यूम किसको करना पड़ेगा, जिससे कंपेयर करवाया जाता है, जिससे कंपेयर करवाया जाता है उसको एज्यूम करोगे, उसके बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओगे और इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो यू हैव टू राइट हियर, हेंस द एज ऑफ राजू इज 13 years। ओके, द एज ऑफ राजू इज 13 years। अच्छे से समझ में आया, जो 3 questions किए हैं सब स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझें। ओके, थैंक यू।